इस मॉड्यूल में हम फाइलम काइनोडमेट्स के इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव सीक कम्बर की बॉडी वाल को डिस्कस करेंगे अब सीक कम्बर जो है दिस इज आल्सो मेरीन इसकी बॉडी वाल जो है दिस इज थिक मस्कुलर एंड बट इट लैकिंग प्रोट्रूडिंग स्पाइंस आर पेडिसिलरी दे मे बी प्रेजेंट बट दे आर यूजली इन रिड्यूस्ड आर रूडिमेंट्री फॉर्म्स सबसे आउटर बॉडी लेयर जो है दैट इज़ नोन एज एपिडर्मस एपिडर्मस के बाद नेक्स्ट लेयर इज डर्मस। डर्मस जो है दिस इज अ थिक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज विद एम्बेडेड ऑसिकल्स अभी हम बॉडी में सबसे पहले बाहर थी एपिडर्मस, फिर डर्मस, उसके बाद जो अगली लेयर है उसको हम कहेंगे दैट इज इट्स मस्कुलर लेयर अब इसमें इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को कलेक्टिवली हम सी कंबर कह देते हैं तो सी कम्बर के ऑसिकल्स जो हैं दे आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई एंड दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन द बॉडी शेप ऑफ द सी कंबर्स फिर इसमें जो लार्जर ऑसिकल्स हैं दे विल फॉर्म द कैलकेरियस रिंग कैलकेरियस होगी इट मीन्स दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अब ये कैलकेरियस रिंग जो है दिस इज एंड सर्कलिंग द ओरल एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सर्विंग एज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द बॉडी वाल ऑफ बॉडी वाल मसल्स अब डर्मस के नीचे अभी इसकी बॉडी लेयर्स अगर हम देखें सबसे बाहर एपिडर्मस, डर्मस और मस्कुलर लेयर अब डर्मस के नीचे देर इज़ अ लेयर ऑफ मसल्स अब मसल्स जो हैं ये आपको पता है दो तरह के होते हैं सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडल मसल्स इसमें सर्कुलर मसल्स हैं ओवर लाइंग लॉन्गीडल मसल्स यानी दोनों तरह के मसल्स जो हैं दे विल फॉर्म द मस्कुलर लेयर इन सी कम्बर्स अब बॉडी वाल जो है सीख कम्बर्स की अगर इस एनिमल को हम बॉइल करें या ड्राइंग करें इज़ नोन एज ट्री पेंग इन एशियन कंट्रीज़ आफ्टर इट इज़ ड्राइड और इट्स वाटर इज़ यूजली स्क्ज आउट एंड दैट इज़ यूज फॉर डिफरेंट परपज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द दर्ल्ड यानी इसको कुछ एनिमल इस ड्राइड फॉर्म को दुनिया के कुछ ममालिक में लोग जो हैं वो एज अ फूड भी यूज़ कर लेंगे या मेन कोर्स आइटम समटाइम्स इट इज़ आल्सो एडिड टू द सूप्स एज फ्लेवरिंग इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इज पार्ट ऑफ डाइट फॉर ईटिंग पर्पज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दिस इज दीक कम्बर दिज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेट्स दैट आर ओवर द मस्कुलर Body wall. Here you can say it's cucumber-shaped structure having no spines of its body, but there are plates present over the epidermis of the body. After this will be the dermis, and then there will be the muscular layer. So we can say that body wall of sea cucumber comprises of three layers: epidermis, dermis, and muscular layer.